ठीक है, उसकी मम्मी से पूछते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। इतने सारे आए हुए हैं गाड़ी निकालने के लिए साथ में, छट्टी सर कैसा क्या इधर सर क्या सर बोल रहे हाँ चलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पंकज कुमार है और आज हम लोगों का पार्षद रूप से एक जो है सुनीता नाम करके स्टूडेंट जो आज से 4 महीना पहले स्मार्ट बिल्डू के साथ कंप्यूटर पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ली थी और फाइनली एडमिशन लेने के समय में पैसे का जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, उधार उधार कर्ज ले करके एडमिशन की और एडमिशन करने के बाद फाइनली यहाँ पर ये अपना पढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ का जो पढ़ाई है हमारा पाकुड़ का सेंटर का बहुत ही अच्छा है, तो इन्होंने अपने परिवार अपने रिश्तेदार अपने पड़ोसी अपने दोस्तों को इस पढ़ाई के बारे में बताई और फाइनली पढ़ाई के बारे में इनके दोस्त लोग आके देखे और जानकारी लिए, उनको भी अच्छा लगा, तो फाइनली इन्होंने मतलब अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाया और उनका दोस्त लोग भी इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ पर एडमिशन की और धीरे धीरे इसी तरह ये और आगे बढ़ते गई। फाइनली आज 4 महीना में इसी सिस्टम से यहीं से पढ़ाई करते हुए आज फाइनली यहाँ पर 96,000 रुपये का एक जो है ज़बरदस्त स्कूटी अचीवमेंट की है। तो आज यही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट लोगों का आज के डेट में पढ़ाई करने में फीस का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्यूशन सेंटर का फीस का प्रॉब्लम हो रहा है, मगर आज ये लड़की सारा सेंटर का फीस को पे करने के साथ साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको भी अच्छा तरीके से जीते हुए कुछ पैसा सेव की और फाइनली आज एक ज़बरदस्त स्कूटी अचीवमेंट की। तो हमारे और हमारे पूरे इंटायर ग्रुप की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह ये अपने ज़िंदगी में जो है और भी जो सपना है और भी जो इसका जीवन में जो अचीवमेंट बाकी है वो सारा का सारा अचीवमेंट पूरा करें, हम लोग इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। इसी तरह आगे बढ़े, थैंक यू। जैसे कि आज हम सभी लोग देख रहे हैं हीरो शोरूम में सुनीता जी ने स्कूटी अचीव की है फाइनली और इन्होंने एडमिशन ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से और लगातार उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी की और जारी के साथ साथ पार्ट टाइम काम करने चालू कर दी और पार्ट टाइम चालू करने के बाद आज आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली उन्होंने अपनी ही कमाई की स्कूटी में चढ़ी हुई है और उसके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, उसकी मम्मी आई है, चाचा चाची और मम्मी और ये सभी लोग आए हैं इनका स्कूटी सपोर्ट करने के लिए प्लस खुशी मनाने के लिए कि हम लोग की बेटी ली हुई है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को अक्सर बाहर जाने नहीं देता है लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो बाहर जा कर के अपना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम की और आज देखिए इतना अच्छा सुंदर से स्कूटी ली। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं जितने भी लड़कियाँ देख रही हैं कि आप लोग भी बाहर जा कर के ये कर सकते हैं और जैसे आज ये बहुत कम समय में आगे बढ़ रही है आप लोग भी कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग सुनीको। गुड इवनिंग। आज तो मतलब बहुत खुशी की बात है, जो मेरा फ्रेंड है जो मेरा ही जैसे स्कूटी ली है तो इसका बात बोले तो ये बहुत ही इसमें मतलब मेहनत की है, रोज जाती थी ये फील्ड में, जैसे कि सुबह जाती थी और कभी कभी तो इसका तबीयत भी खराब हो जाता था, रूम में भी रहती है, उसका मम्मी पापा आए हैं और क्या बोले, ये बहुत ही इसमें मेहनत की है, इतना मेहनत की है कि इसका ये तो भीड़ में जाते समय बेहोश हो जाती थी तब भी ये हिम्मत नहीं छोड़ी, तब भी ये इतना मतलब ये करके काम कर
करके यहाँ पर इतना ये मेहनत करके ये स्कूटी ले ली, तो इतना ही बोल के हम अपना पास प्रोग्राम करें। सबसे प्राउड वाला दिन कना, क्योंकि हर जगह रे आदिवासी होड़ को विशेष कर रहे बुरु चोट रे तहन वाला होड़ अड़ी तयम और तयम रे खुद हैन कान तबुना और अड़ी तयम को लिखा है, लेकिन उना जो तयम रे जो बैरियर करना ना रफूत कते ये तो लहा सिना कुटु रे कु लहा दी कान तबुना ती जु कु जेले का नो अपरन बिटी सुनीता पहाड़ी नितुम कर दया तीन को 4 महीने लहा रे ने प्रोजेक्ट रे है इना पढ़ा लगी। जब ने प्रोजेक्ट रे बारे ते अनम ले रे एडमिशन होय मैंने कान थाना मेरे कान उस समय पैसा रे अड़ी प्रॉब्लम था कना सरी की गुरु चितान रे पैसा रे अड़ी दिक्कत चाहे मौज कमी को हो मांग थे कारण थे अड़ी मुश्किल थे हते ना तक पैसा जुगाड़ करते नवा प्रोजेक्ट रे एडमिशन ना एडमिशन करते ऐमा लिखान हो ऐमा जिनिस को बिताओ दिया कि सुनीता तुम कर नहीं पाएगी, ये जो है जमीन में रहने वाले लोग का काम है, पहाड़ में चढ़ने वाले लोग का नहीं है, पहाड़ वाला लोग काम नहीं कर सकता, पहाड़ रेन हो बाकू कमी दड़िया, लेकिन नुई अंदर रहे मीटे जिद है कि ना मीटे जुनून है कि ना कि जो लोग नहीं कर सकता वही तो करके दिखाना है और उसी का नाम ही सक्सेस कहलाता है। हमारे पास बैठी हम लोग के साथ बातचीत की सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी इन्होंने कोई ट्रेनिंग एग्जाम के खाए मेहनत है बेहोकदा और मेहनत रहे सबसे बड़ा मीठे प्रॉब्लम था कि ना लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे नुया जो भाषा था कि ना आपको भाषा साथ मिक्स था करते हैं ऐमा और बाकू खुशी कर देना और ऐमा और नुई साथ हजूल की तैयार बाकू था ना, लेकिन धीरे धीरे करते मेहनत दिखदा और नवा 4 महीने अंदर रहे मीठे अनबिलीवेबल सक्सेस है उदुकदा सही की मैंने नियत उम्र रहे अपना उम्र रहे गिर हते न तो दड़ा बड़ाते टाइम को बर्बाद कर उना उम्र रहे मीठे गुरु चितान रहे तहन वाला स्टूडेंट तीन नवा पाकुड़ लेकर बाजार रहे खुद रे इनकम करते 96,000 रे स्कूटी हतावदा ना तो अड़ी मरंग कथा करना तो सुनीता लेकिन मीठे जोरदार ताली हुई जो कार्तिक कुछ मिता पिया कि जो कहीं से नहीं हो पाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू से हो पाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा एक ही सेंटेंस बोलते हैं क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में कोई नहीं स्मार्ट वैल्यू के टक्कर में। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे ऐसे लड़की है दिन पर दिन स्कूटी निकाले जा रही है, दिन पर दिन स्कूटी निकाले जा रहे हैं। आज यही शोरूम में इसको लगा करके 4-5 स्कूटी जो है निकल चुका है और इसके पीछे और 4-5 स्कूटी लाइन लगा हुआ है। इसीलिए आप बहनों से या भाइयों से हम यही बोलेंगे कि इधर उधर टाइम अगर बर्बाद कर रहे हैं तो आज अगर सुनीता नोडेफो लहा दड़िया कान खाए आप पे होपे लहा दड़िया, बस यही विश्वास रखना है और यही कोटेशन याद रखना है कि क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है स्मार्ट वैल्यू के चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, इसीलिए आप भी आ जाइए लाइन में, आपका भी स्कूटी होगा, आपका भी घर होगा और आपका भी सपना पूरा होगा। तो जस्ती बांग रोड कहते हैं कौन कथा रही आईमा बुझे रिया को रुपी तब उनपे और नुई पूरे आशीर्वाद माए तब उनपे और आपे हो लहा पे मैंने कर खाए आपे हो जो तब उनपे तो नियो को कथा रोड कहते हैं मिंदा जो तो जोहार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है आइए सर फोटो सेशन करते हैं। तो सबसे पहला मिस सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। मेरा नाम प्रेम साहू है और आज हम भी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सुनीता जी को हम देखते थे अभिराम सर के साथ काफ़ी मेहनत करते थे, जब हम काम में जाते थे फील्ड में तो इसको देखते थे दिन भर में दोपहर भर में फील्ड में कहीं ना कहीं सर्वे कर रहा है काम कर रहा है, मेहनत शुरू से इसको हम देखे करते हुए है ना। तो एक समय इनको हम पहचानते थे चेहरा से, फिर धीरे धीरे इनका पहचान बढ़ा और आज बढ़ के आज इनको हर आदमी पहचान पा रहा है, क्योंकि आज ये जो है एक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा स्कूटी जो जूम का है 96,000 का आसपास का जो कीमत है और बहुत ही बेचारे मेहनत करके लिया है और इसके लिए इसको हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इसके जो मम्मी पापा इनके जो गार्जियन के रूप में जो आज इनके गार्जियन लोग आए हैं चाहे मम्मी हो चाहे जो और भी साथ में जो गार्जियन आए हैं इन लोग को भी हम बोलेंगे किस तरह से अपना बच्ची को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसका हम खुद गांव देखे हैं पहाड़ी क्षेत्र में इनका गांव है पहाड़ी मतलब पहाड़ी गांव में है ना, तो वहीं बड़ी बेचारी रहती है वहां से बिलोंग करती है
वहाँ से आती है जाती है, मेहनत करती है, आज स्कूटी लेके जब जाएगी अपने घर में, अपने समाज के लोगों में, तो इनको बहुत ही अच्छा महसूस इनको भी होगा, इनका परिवार को भी होगा, और इनके गांव समाज को थोड़ा बहुत जलन तो होगा। तो यही तो करना है, ये सुनो। यस सर। तो आज के डेट में इसको हम इतना ही बोल के बधाई देंगे, बाकी इनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग सब है। ओके एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।